तो हेलो गाइज, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ टोटल हिंदी टेक्निकल में। और आज हमने आपके लिए बनाया है इंस्टेंट वाटर हीटर, जो ये रहा। तो भाइयों, ये बनाया मैंने मिट्टी के बर्तन का, जो कि पूरा एक करंट प्रूफ होता है, इसमें करंट नहीं आता, तो देख सकते हैं आप। और इसके अंदर पानी भी बहुत तेजी से गर्म होता है, ये इसका आउटपुट है। और यहाँ पर इसमें पानी आप अंदर डालते हो, यानी इनपुट है। तो भाइयों, इसको बनाने में बहुत मजा आने वाला, तो चलिए इसको बना लेते हैं। लेट्स डू इट। तो भाइयों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मटके का ऊपर वाला हिस्सा है। और भाइयों, यहाँ पर लगाने के लिए हमें एक प्लास्टिक का टुकड़ा चाहिएगा। तो देख सकते हैं, यहाँ पर ये टुकड़ा हमने इस तरीके से काट लिया है, ठीक है। और भाइयों, अब इस टुकड़े को हम इस मटके के ऊपर यहाँ पर रखेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अब हम यहाँ पर एक होल करेंगे, जिससे कि ये हमारा जो हीटर है, ये इसके बीच में बिल्कुल फिक्स आ जाए, ठीक है। तो ये रबड़ जो है, ये हीटर की मैंने निकाल ली है, और इसको मैं यहाँ पर बीच में रख दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। और बिल्कुल बीच में हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, और हम यहाँ पर बिल्कुल बीच से इसको काट देंगे, ठीक है। तो अब चलिए, इस मटके के ऊपर इस होल को हम इस तरीके से यहाँ पर सीट को रख देते हैं। और अब हमारे पास जो हीटर है ये वाला, तो इस हीटर को हम यहाँ पर होल के अंदर से गुजारेंगे, कुछ इस तरीके से। देखिए, इसे यहाँ पर इस तरीके से लगाते हैं, और इसे एम सील की मदद से, एम सील हमारे पास ये रही, तो इसकी मदद से हम यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपका लेंगे, जिससे कि बिल्कुल भी लीक ना हो। और भाइयों, ये जो हमारे पास थर्मोस्टेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थर्मोस्टेट है, तो इस थर्मोस्टेट को भी हम यहाँ पर, ये जो आपको यहाँ पर तीसरा होल दिख रहा है इस हीटर में, तो इसमें ये कुछ इस तरीके से लगता है, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर लग गया है। तो इस तरीके से हमारा जो है हीटर फिट हो गया है। अब यहाँ पर एम सील की मदद से इसको हम चिपका लेते हैं, ठीक है गाइस। लेकिन भाइयों, इस हीटर को चिपकाने से पहले हमें यहाँ पर ये इनपुट और ये आउटपुट टंकी इसमें लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, हम यहाँ पर पहले इन टोंटियों को लगा देते हैं, उसके बाद हम इस हीटर को चिपकाएंगे, ठीक है। इनको लगाने के लिए हम यहाँ पर ड्रिल मशीन की सहायता से इनको लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर होल कर दे रहा हूँ मैं, जहाँ पर मुझे ये लगानी है। तो ये टंकी तो हमारी तैयार हो चुकी है, तो चलिए यहाँ पर इसमें एम सील लगा देते हैं। तो एम सील से हम इसे अच्छी तरीके से चिपका देते हैं, और उसके बाद हम हीटर को चिपकाएंगे। तो एम सील हमारे पास ये रही, ठीक है गाइस। तो चलिए, इन एम सील को मिला करके यहाँ पर अच्छी तरीके से लगा देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल सूख गया है। देखिए, दोनों सूख गए हैं, और इन्हें सूखने में लगभग आधा घंटा लगा है, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पर ये तो सूख गया है। अब भाइयों, हमारे पास ये जो हीटर हमने बनाया था, ये देखिए, अब इस हीटर को हमें यहाँ पर इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। और इसे लगाने के लिए पहले तो हम यहाँ पर चारों तरफ एम सील लगा देंगे, जिससे कि ये बढ़िया तरीके से यहाँ पर चिपक जाए, ठीक है। तो ये रही एम सील दोनों हमारे पास, इनको हम मिला लेते हैं पहले। तो चलिए, इनको मिलाते हैं, और फिर इनको यहाँ पर अच्छी तरीके से लगा लेते हैं, ठीक है। तो भाइयों, देखिए, ये अच्छी तरीके से मैंने मिला दिया है। अब चलिए, यहाँ पर इसे हम यहाँ पर लगा भी देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से चारों तरफ इसके लगा दिया है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और अब चलिए, यहाँ पर हम इसका ये जो ढक्कन है, ये वाला ढक्कन जो हमने तैयार किया है, ये हम यहाँ पर अच्छे तरीके से लगा देते हैं। चलिए, जो हमारी रबड़ है, इस रबड़ को हम यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल इसके बीच में लगा देते हैं, और इसे अच्छी तरीके से दबा देते हैं। अब चलिए गाइस, इसको भी हम यहाँ पर इसके चारों तरफ यहाँ पर लगा देंगे, जहाँ पर हमारा हीटर लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी इसको इस तरीके से बंद कर देना है, यानी पानी का रास्ता बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर पानी का थोड़ा सा भी रास्ता बच गया, पानी तो वहीं से निकलने लगेगा, और आपका प्रोजेक्ट लीकेज होने शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट
थोड़ा ख़राब लगेगा। और भाइयों एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करनी चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस तरीके से आप अच्छी तरीके से इसको चारों तरफ लगा देंगे। और भाइयों अगर आपके हाथ पे एमसील चिपक रही है ना, तो आप पानी का यूज़ कर सकते हैं, पानी लगा करके हाथ पे नहीं चिपकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं एमसील हमारी पूरी तरीके से लग चुकी है देखिए, और ये लगभग सूख भी गया है। तो अब चलिए यहाँ पर हम थर्मोस्टेट लगा देते हैं, जो ये रहा मेरे पास, ये देख सकते हैं। तो इसे हम यहाँ पर लगाएंगे, जो तीसरा होल आपको दिख रहा है यहाँ पर, चलिए इसको भी लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बिल्कुल आसानी से लगा देंगे, देखिए ये हमने लगा दिया है। और अब चलिए गाइस इसमें यहाँ पर हम कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। और भाइयों कनेक्शन करने के लिए हमारे पास ये लीड है, आप देख सकते हैं। तो चलिए भाइयों कनेक्शन करते हैं, और बाद में इसके ऊपर जो है हम ये ढक्कन रखेंगे, ये देखिए ये इसे कवर करेगा ताकि किसी का हाथ यहाँ पर ना लगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक होल कर लेते हैं, और ये जो तार है हमारे इसी के होल के अंदर से ही निकालते हैं हम। और होल करने के लिए हमारे पास ये ड्रिल मशीन है, तो चलिए होल करते हैं। तो बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पर होल कर लोगे, ये देखिए गाइस। तो चलिए अब कनेक्शन कर लेते हैं, लेकिन गाइस उससे पहले हमें यहाँ पर स्विच के लिए और इंडिकेटर के लिए दो होल और करने पड़ेंगे। तो इनके जैसे ये पीछे रहेगा तो सामने हमें यहाँ पर होल करने पड़ेंगे। तो चलिए होल करते हैं। तो इंडिकेटर का होल मैं इधर कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। तो देखिए भाई ये होल हमने कर दिया, अब हमारे पास ये जो इंडिकेटर है आप देख सकते हैं। तो चलिए इस इंडिकेटर को हम यहाँ से इस तरीके से इसमें लगा लेते हैं। और अब चलिए गाइस यहाँ पर हमें स्विच भी लगाना है, ये वाला स्विच, तो इसके भी होल हम यहाँ पर कर देते हैं। तो ये होल करने के लिए भी हमारे पास ये ड्रिल मशीन है, तो चलिए होल करते हैं ये वाला भी। तो हम बिल्कुल इसी तरीके से इसका भी ये होल कर लेंगे, ठीक है। तो भाइयों देख सकते हैं यहाँ पर होल भी मैंने कर दिया है, अब चलिए इस स्विच को यहाँ पर अच्छे तरीके से लगा देते हैं, देखिए। तो भाई ये देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेटर के वायर है, और यहाँ पर ये स्विच लग रहा है हमारा। तो ये हमारे मेन तार है, ठीक है। तो इनमें से पीला वाला तार तो हम यहाँ पर स्विच के एक पॉइंट पे लगा दूंगा मैं इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दो पिन नज़र आ रही है हीटर की, और एक यहाँ पर थर्मोस्टेट नज़र आ रहा है। तो थर्मोस्टेट में दो पिन होती है, ये देखिए यहाँ पर एक तरफ इधर है एक तरफ इधर है, ठीक है। तो इसमें मैं तार लगा रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और फिर इसे हम टाइट कर देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है भाइयों। तो ये हमने लगा दिया, अब इतना सारा मैं तार काट देता हूँ। अब चलिए दूसरा तार भी हम लगा देते हैं, ये रहा दूसरा पॉइंट, तो इसको भी हम यहाँ पर लगा देते हैं कुछ इस तरीके से ही। तो देख सकते हैं भाइयों हमने दोनों तार यहाँ पर लगा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, थर्मोस्टेट का एक जो तार है ये वाला, ये सीधा हमें इस पॉइंट पर लगा देना है। तो इसको मैं इतना काट देता हूँ, और बिल्कुल आराम से आप इसे लगा दोगे, देखिए। और ये जो हमारा वायर है ये वाला, ये हम यहाँ पर स्विच में लगा देंगे, जो हमने यहाँ पर स्विच लगाया, ये देखिए स्विच, ठीक है। और जो हमारी मेन सप्लाई है, ये मेन तार है दो, और ये हमारे इंडिकेटर के जो ये मेन तार है, इनमें से पीला वाला वायर तो मैं यहाँ पर स्विच में लगा दूंगा, और ये थर्मोस्टेट का वायर भी एक वहाँ पर लगा दूंगा मैं, ठीक है। और बाकी जो ये है इसे हम यहाँ पर इसके इंडिकेटर के साथ में जोड़ देंगे, न्यूट्रल हो गए ये, और इसे हम सीधा जो है इसे यहाँ पर लगा देंगे हम, ठीक है। ये देखिए मैंने हीटर का एक तार और इंडिकेटर का एक तार दोनों आपस में इस तरीके से यहाँ पर जोड़ दिए हैं, देखिए मेन सप्लाई का एक तार हो गया और एक इंडिकेटर का हो गया और हीटर का हो गया, ठीक है। अब ये बचा हमारा इंडिकेटर का एक तार और हमारा मेन तार एक। तो सबसे पहले हम जो है ये मेन तार ही लगा देते हैं अपने इस स्विच में, ठीक है। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है। अब ये जो हमारा यहाँ पर थर्मोस्टेट का वायर है इसे भी हम यहाँ पर ऊपर लगा देते हैं इस तरीके से, भाइयों ध्यान से लगाना है आपको, कोई तार गलत ना लग जाए, नहीं तो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो गलत तो आपको बिल्कुल लगाना ही नहीं है। अब भाइयों चलिए जो इंडिकेटर का तार है इसको भी हम यहीं पर ही लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखिए हमने लगा दिया है सभी कनेक्शन को, ये देखिए इंडिकेटर के भी दोनों वायर लग गए, थर्मोस्टेट के भी लग गए, और हमारी मेन सप्लाई भी लग चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ग्लू गन की मदद से इन्हें अच्छी तरीके से चिपका दीजिए ताकि ये हिले नहीं और बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर रहे, ओके। अब कोई भी तार नहीं हिलेगा और कोई भी तार नहीं टूटेगा, ठीक है भाइयों। तो चलिए अब इस ढक्कन को बंद कर लेते हैं। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बंद करूँगा, ये देखिए। और ये बटन इसके हमारे जहाँ पर टंकी है वहाँ पर रखने हैं सामने की तरफ। और भाइयों यहाँ पर हम इसमें एमसील लगा देंगे चारों तरफ, ठीक है। तो उससे ये बहुत मजबूत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एमसील को मिला लेंगे, ये देखिए। और चलिए अब इसे यहाँ पर इस तरीके से चारों तरफ लगा भी देते हैं, ठीक है। तो उससे ये बहुत मजबूत हो जाएगा और ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा, ठीक है भाइयों। तो चलिए इसको भी हम आसानी से लगा देते हैं।
तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है टेस्टिंग करने के लिए। तो चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो भाइयों ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं, और इसे अब हम टेस्ट करेंगे यहाँ पर। और ये देखिए इसकी सप्लाई मैं देने वाला हूँ इसमें, आप देखिए। अब इसमें हम सप्लाई देंगे पानी की, तो वाटर की पाइप इसमें ये रही, और अब इसमें पानी की सप्लाई देते हैं हम। तो हमने पानी की सप्लाई दे दी और पानी हम खोल रहे हैं, देखिए। तो पहले इसमें हम पानी भरेंगे और उसके बाद इसे टेस्ट करेंगे। तो इसमें पानी आने लगा है, और भाइयों पानी पूरा भरने के बाद इसके हीटर को हम ऑन कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसे रख देंगे, ठीक है। तो 5 मिनट में इसका जो पानी है अंदर का वो बिल्कुल गर्म हो जाएगा, और फिर आपको बहुत बढ़िया गर्म पानी मिलेगा, और उस पानी को आप चाहे तो नहाने में यूज कर सकते हो, चाहे बर्तन धोने में, आप जैसे चाहे उस पानी को यूज कर सकते हो। और भाइयों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें बहुत ही बढ़िया सा गर्म पानी मिल रहा है, ये देखिए। और ये गर्म पानी कंटिन्यू अब आता ही रहेगा। तो पीछे से आपको सप्लाई थोड़ी कम रखनी है, अगर आप ज़्यादा सप्लाई रखोगे तो पानी ठंडा आएगा आगे, क्योंकि इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा, इसलिए आपको पीछे से थोड़ी कम सप्लाई रखनी है पानी की। तो आई होप भाइयों ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा, और इसे बना करके आप जरूर देखेंगे। और गाइज अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड वंदे मातरम।